to build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University. Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA, MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures. Changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318-797-101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। सोलन में एक सड़क पर की गई टारिंग डालते ही उखड़ गई है। लोक निर्माण विभाग ने सोलन राजगढ़ रोड के 2 किलोमीटर हिस्से पर टारिंग का काम हाल ही में करवाया था, लेकिन सड़क पर ऐसी टारिंग की गई कि एक ही दिन में खराब हो गई। अब इस सड़क पर बजरी ही नजर आ रही है। आरोप है कि सड़क में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिससे सड़क की यह हालत हुई है। अब खराब सड़क से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सोलन राजगढ़ सड़क के 2 किलोमीटर के हिस्से पर टारिंग का काम कुछ दिन पहले ही किया गया था, लेकिन यह टारिंग एक दिन भी नहीं टिक पाई। इससे स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। लोग सड़क की हालात के लिए लोक निर्माण विभाग को सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, साथ ही वे सड़क को दोबारा से दुरुस्त करवाने की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ी आयरोनिकल बात है कि हम शुरू से सड़कों के लिए लड़ रहे हैं कि सड़कों के बुरे हाल हैं और विभाग जो है वो अपना काम करने में नाकाम है और कोई भी जो है पूछने वाला तक नहीं है। पब्लिक के टाइम की वेस्टेज है, पब्लिक की कन्वीनियंस की वेस्टेज है। यहाँ जाम लगता रहा, जब इसको तैयार कर रहे थे तो जाम लगने पर अभी ये स्कूटी जा रही है, इसके गिरने का यहाँ काफ़ी लोग सुबह इसके ऊपर फिसलने के कारण स्कूटर मोटरसाइकिल वाले गिरे हैं। भगवान की दया से कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ है। अब इस सड़क की अगर बात करें, मैं आपको थोड़ा सा नमूना दिखाऊंगा। तो ये जो रोड़ी है, इसमें कहीं भी जो तारकोल नाम की चीज़ होती है जो इसको बाइंड करती है, जो इसको जोड़ती है, वो नज़र नहीं आ रही है। ये मेरा हाथ देखिए आप, इसमें कहीं कोई निशान नहीं है। अगर उस सड़क को देखा जाए तो वहाँ पर रोड़ी सारी उखड़ी हुई है। जितने भी बाइक सवार जा रहे हैं वो स्लिप मार रहे हैं। कोई वहाँ पर पैदल आदमी को चलने के लिए दुश्वारी हो रही, तो गाड़ियों के चलने की बात हो रही, तो ये एक जानलेवा सड़क बन रही है वहाँ पर। और पता नहीं कि ये सरकार क्या कर रही है और कैसे इस कार्य को कर रही है। ऐसा जो है, इस काम पर जितना लगाया जा रहा है वो सारे का सारा बर्बाद हो रहा है। पैसे का दुरुपयोग बुरी तरह से हो रहा है इस सड़क को बनाने में। प्रशासन ने तो आंखें मूंदी हुई है, प्रशासन तो देख ही नहीं रहा है। उनके जो चहते हुए ठेकेदार हैं उनके जरिए काम हो रहा है, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। प्रशासन है कहाँ देख रहा है प्रशासन की भी क्या हो रहा है। उधर विभाग के अधिकारी खुद भी मानते हैं कि सड़क पर सही तरीके से टारिंग नहीं की गई। वे लोगों को सड़क दुरुस्त करवाने के आश्वासन दे रहे हैं। एक्चुअली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक को थोड़ा करने के लिए हमने रात को काम शुरू किया था। उसमें कुछ सील कोड में थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो हमने सील कोड का पोर्शन उसको कॉन्ट्रैक्टर को कह दिया है कि वो दोबारा से करे, उसको जो पैचेज बड़े हैं वो हम दोबारा करवाएंगे उससे। नहीं, डिपार्टमेंट की लेबर नहीं काम कर रही है एक्चुअली, वो सील कोट हटा रही है, वो जो उखड़ा हुआ है उसको बाहर कर रही है, क्योंकि वो उसमें मोटे रोड़े आ गए हैं तो उसको हटा रहे हैं सारा। तभी पता चलेगा जब उसको हटाएंगे कि कहाँ कहाँ सील कोट उखड़ा है। वो एक सेकेंड लेयर है जो कि हमने दोबारा से करवानी है और इसीलिए उसको हटा रहे हैं ताकि हमें पता चले कि खराब कहाँ हुई है। हम अभी क्योंकि वो काम कर रहा है और जितना भी हम पोर्शन उखड़ा है उसको हम दोबारा से करवाएंगे, और जब तक उसकी विभाग की तसल्ली नहीं होती है उसको कोई पेमेंट नहीं की जाएगी। इसके अलावा मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो टायरिंग का काम कर रहा है, इसकी ठेकेदार की गारंटी होती है जो कि 2 साल की गारंटी है, और 2 साल तक अगर इसमें कोई भी पैच पड़ेगा तो वो ठेकेदार द्वारा ही ठीक किया जाएगा। सड़क पर की गई इस तरह की टायरिंग को लेकर लोग सरकारी पैसे का दुरुपयोग बता रहे हैं और इसके लिए लोक निर्माण विभाग पर उंगली भी उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सोलन 7C हिमाचल आजकल।
सोलन में मूसलाधार बारिश, क्षेत्रीय अस्पताल के पास हुए भूस्खलन के कारण वहां अनेक घरों को खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रशासन ने मौके पर जायजा लेकर असुरक्षित हो गए घरों को खाली करा दिया है। लोगों ने बताया कि वहां दुर्गा क्लब परिसर में 2 माह पूर्व गिरे डंगे के कारण ही ये हादसा हुआ। भूस्खलन से पानी की पाइपें भी टूट गई हैं, जिससे वहां एक बड़ी आबादी के लिए पेयजल की आपूर्ति ठप हो गई है। सोलन में मूसलाधार वर्षा से क्षेत्रीय अस्पताल के पास हुए भूस्खलन के कारण वहां अनेक घरों को खतरा उत्पन्न हो गया है। नगर परिषद के अध्यक्ष कुल राकेश पंत और उपमंडल अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने 7 लगते घरों को खाली करवा दिया। यह हादसा वहां दुर्गा क्लब में 2 माह पूर्व गिरे डंगे के कारण हुआ, जिसे क्लब प्रबंधन ने समय रहते नहीं लगवाया। पिछले का जो लूज मड है वो नीचे आ गया और उसकी वजह से थोड़ा एक ऊपर के डंगे की साइड है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग आए हुए हैं। हमारे लोग तो जैसे ही पता लगा थोड़ी देर में सब यहाँ लोग पहुँच गए थे। अब पुलिस डिपार्टमेंट के SDM साहब, तहसीलदार साहब, सब लोग आए हुए हैं, तो अभी हम बैठकर आपस में बातचीत करके कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैटर है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स हम लेने की कोशिश करें। सोलन में भूस्खलन के कारण अनेक घरों के लिए उत्पन्न हुआ खतरा मानवीय लापरवाही का परिणाम बताया जा रहा है। यदि दुर्गा क्लब का ढहा हुआ डंगा समय पर लग जाता तो शायद यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। मनीष शारदा, सोलन, 7C हिमाचल आजकल। NSUI ने धर्मशाला कॉलेज में छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलनरत छेड़ दिया है। NSUI के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में एक रैली निकाली और सरकार व कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसके साथ ही NSUI ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। NSUI के प्रदेश महासचिव गौरव शर्मा का कहना है कि NSUI कॉलेज में इतिहास, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और MSc ज्योलॉजी जैसे PG कोर्स शुरू करने की लंबे अरसे से मांग कर रही है, लेकिन ना तो सरकार और ना ही कॉलेज प्रशासन इस मुद्दे को लेकर गंभीर दिख रहा है। इसके चलते उनको भूख हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। हमारी मांगे हैं कि धर्मशाला महाविद्यालय प्रदेश का सबसे पुराना महाविद्यालय है और आजकल मैक्सिमम यानी कि हमारे स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं पढ़ने, इसलिए हमारी मांगे हैं कि यहाँ पर MSc मैथ, MSc केमिस्ट्री, MA हिस्ट्री, MSc ज्योग्राफी और जो कंपार्टमेंट के छात्र हैं जिनकी +2 में कंपार्टमेंट है उनको एडमिशन नहीं मिल रही है, उनको एडमिशन दी जाए ताकि उनका भविष्य ना खराब हो और उनका एक साल ना वेस्ट हो। हमारी सरकार से यही निवेदन करते हैं और हमारी ये मांग है कि जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती हम अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। चौथड़ा व द्रंग ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने नियमितीकरण व पेंशन की मांग को लेकर जोगिंद्रनगर में प्रदर्शन किया। इस दौरान इन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्पर यूनियन की जिलाध्यक्ष सीमा देवी ने कहा कि सरकार लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को नियमित करने व पेंशन की मांग को टाल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे राज्यों की तर्ज पर उनको वित्तीय लाभ भी नहीं दे रहा। उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी ना हुई तो वे उग्र आंदोलन छेड़ देंगे। हमने जो आज जो प्रदर्शन किया है वो इसलिए किया है कि सरकार जैसे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को रेगुलर करो और जब सरकार उनको रिटायरमेंट कर रही है उसके उनको पेंशन दो और जो इनको इनकी अगर पेंशन नहीं देनी है तो उनकी कोई रिटायरमेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को अगर सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करती है तो सरकार पे 8 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक लगातार हमारे प्रोजेक्ट वाइज धरने होंगे। और अगर सरकार मानती है जैसे उत्तरांचल की तरह और हरियाणा की तर्ज पर और पंजाब की तर्ज पर 2025 हेल्पर वर्कर को देना होगा। अगर सरकार इस पे नहीं मानती है तो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर इस सड़कों पे उतरेगी और अपने संगठन को मजबूत करके सरकार को झुका के छोड़ेगी। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। कज तू गोरी ए जमाने ते डर दी, दुनिया ए सारी प्यारे ताई मर दी, कज तू गोरी ए जमाने ते डर दी, दुनिया ए सारी प्यारे ताई मर दी। चल गोरिए चल सोनिए मिले मिंजरां दे मेरे सोगी, चल सोनिए चल गोरिए चल सोनिए मिले मिंजरां दे मेरे सोगी, चल सोनिए।
उम्मीद करते हैं कि आपने इस पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते नजर डाल लेते हैं एक बार फिर मुख्य सुर्खियों पर। शिमला में महासू सभा का भव्य समारोह, मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के अलावा कई भाजपा नेताओं ने की शिरकत। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस पर्यवेक्षक चुनाव क्षेत्रों के दौरे पर, राजा पटेरिया ने शिमला की 5 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से प्रत्याशियों के चयन की ली फीडबैक। मंडी पुलिस को मिली अहम कामयाबी, चोर गिरोह के 20 सदस्यों को होटल से किया गिरफ्तार। सोलन राजगढ़ रोड पे की गई टारिंग, डालते ही उखड़ी, ठेकेदार पर लोगों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, खड्डों में तब्दील सड़क से हो रही आवाजाही में परेशानी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजातरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। और फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2, फोन नंबर 0981692200 01772629411। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com। टू बिल्ड अ ट्री फ्रॉम अ सिंगल सीड हुज लीव्स रीच आउट द एंटायर स्काई, टू बिल्ड अ फ्यूचर फ्रॉम अ सिंगल माइंड व्हिच रीचेस आउट टू द एंटायर वर्ल्ड एट इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA, MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures. Changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318-797-101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677.